नगर सौरभ बिहार। जी हाँ, देख सकते हैं गली नंबर 4। इस बोर्ड पे कैमरा फोकस है, कैमरे को नीचे पैन करेंगे और यहाँ देखेंगे आप। जी हाँ, इस गली में लोग किस तरह से एंट्री करते होंगे ये तमाशा दिखला रहा है हमारा कैमरा। जी हाँ, देखिए बुरी तरह से यहाँ पानी जो है जमा हुआ पड़ा है रोड के ऊपर, और ये पानी किसी और का नहीं बल्कि उन गंदी नालियों का है जिससे बीमारियां फैलती हैं। जी हाँ, ये तमाशा एक दिन का नहीं है, पिछले 6 महीने से ये पानी यहाँ पे जाम हुआ पड़ा है और बुरी तरह से पानी सड़ करके यहाँ बीमारियां पैदा कर रहा है। ऐसे एक नहीं बहुत सारे पॉइंट हैं और एक एक पॉइंट आज आपके सामने लाएंगे हम, बने रहिए हमारे साथ। इस समय हम लोग हैं गली नंबर 6 ए ब्लॉक 97S हरिनगर वार्ड के। जी आपको बता दें ये मकान नंबर 183 है, ए 183/6 नंबर गली का 183 नंबर मकान ए ब्लॉक का। यहाँ आप देख सकते हैं, जी हाँ यहाँ हम मैं इस समय रोड पे बैठा हुआ हूँ और रोड के साथ ये नाली बह रही है और इस नाली का सारा पानी जो है ओवरफ्लो होकर के इस मकान में जा रहा है। इस मकान के लोगों का जीना हराम हो गया है। जी हाँ, इस नारकीय स्थिति में यहाँ के घर के लोग जीने को विवश हैं। ये नाली का बदबूदार पानी इनके घर में घुस रहा है और यहाँ के निगम पार्षद को कुछ भी लेना देना नहीं है। आप देख सकते हैं, जी हाँ अंदर ये बाथरूम है जहाँ नहाते हैं लोग, लेकिन यहाँ बाथरूम की स्थिति ये है कि यहाँ नाली का पानी ओवरफ्लो होकर के इस घर में आ रहा है। जी हाँ, अभी दोपहर का समय है, अभी लोग नहाते नहीं है। एक्चुअली जो है सुबह और शाम को क्या हालत होती है ये देखा जा सकता है। पहले इस सज्जन का इसमें टॉयलेट रूम हुआ करता था, आप देख सकते हैं उस टॉयलेट की सीट को बंद कर दिया इन लोगों ने विवश होकर के। आज इस मकान में रहने वाले लोगों के पास टॉयलेट की भी स्थिति नहीं है कि टॉयलेट करने कहां जाए, और ये सारा सब कुछ ये नारकीय स्थिति यदि बनी है तो ये कहीं ना कहीं यहाँ के निगम पार्षद के द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने से ये समस्या ये स्थिति आई है। इस मकान मालिक की तकलीफ को आप समझ सकते हैं कि इस मकान में रहने वाले लोग कितने तकलीफों की जिंदगी जी रहे हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये किचन है जहाँ लोग खाना बनाते हैं। जी हाँ, हम किचन में खड़े हैं और किचन के अंदर मैं चाहूंगा कैमरा नीचे पैन करेंगे साथ के साथ किचन के साथ। यहाँ देखिए ये पानी जो आप देख रहे हैं किचन का पानी नहीं है, ये पानी है उस नाली का जो ओवरफ्लो होकर के इन घरों में घुस रहा है और बुरी तरह से यहाँ के लोगों को बीमारी की दावत दे रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ के निगम पार्षद की लापरवाही साफ साफ नजर आती है, उनको यहाँ की साफ सफाई से कुछ भी लेना देना नहीं है। जी हाँ, अभी मैं बात करूंगा इनसे। आप सर इस मकान में रहते हैं, ये समस्या कितने दिनों से है? ये समस्या 2 साल से है सर, और बहुत ही ज्यादा परेशान है। ये लगा लीजिए कि यह घर जीना हमारा दूभर हो रहा है जी हर हालत में। आपने आपका वो जो लैट्रिन रूम है जो सीट थी मैंने देखा आपने उसको परमानेंट पैक कर दिया है सीमेंट लगा के, तो लैट्रिन के लिए अभी क्या व्यवस्था है, क्या करते हैं आप लोग? कोई व्यवस्था नहीं है, बाहर जाना पड़ रहा है, मजबूर है बच्चों को लेकर, रात के अंधेरे में जाना पड़ता है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है निगम में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय नरेंद्र मोदी का कहना है स्वच्छ भारत अभियान और घर घर शौचालय देना है, लेकिन घर घर शौचालय क्या देंगे, आपके निगम पार्षदों की करनी ऐसी है कि जिन घरों में शौचालय है वो शौचालय भी बंद करने पड़ रहे हैं और लोग जो है बाहर खुले में जाने को विवश हैं। ये शहरवासी हैं, नगरवासी हैं जो देश की राजधानी में रहते हैं और खुले में जाकर के शौच करते हैं। ये मेहरबानी है, ये कृपा है आपके पार्षदों की कि एक छोटी सी नाली का पानी भी ओवरफ्लो होकर के इनके घरों में घुसता है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं सुनता जी, निगम पार्षद के पास गए उसने मना कर दिया है, कह रहा तुम्हें जो करना है कर लो, मैं कोई सुनवाई नहीं करूंगा यहाँ पे। मैं आपको बता दूं जब इस खबर पे हम लोग निकले थे आज हमने प्लान किया था कि 97S हरिनगर वार्ड में हम साफ सफाई का जायजा लेंगे, एक एक गली एक एक मोहल्ले की हालत को दिखलाएंगे। ज्यो ज्यो हम इस खबर पे आगे बढ़ रहे हैं लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है, हमारे कैमरे के पीछे पीछे कम से कम सैकड़ों की लोगों में संख्या में लोग चल रहे हैं और ये बतला रहे हैं कि बिल्कुल भी यहाँ साफ सफाई के नाम पे कोई भी काम नहीं हो रहा है और यहाँ के लोग नारकीय जीवन जीने को विवश हैं। बढ़ते हैं आगे, चलते हैं किसी और गली में, देखते हैं क्या कुछ हालत बन पड़ी है यहाँ 97S हरिनगर वार्ड की।